आजही 24 तास एक पाऊल पुढे. उत्तराखंडमध्ये सुरू असलेलं बचाव कार्य हे लष्करानं केलेल्या बचाव कार्याच्या इतिहासातलं सगळ्यात मोठं आहे. लष्कर, निमलष्करी दल, वायुदल या सगळ्यांनीच अथक परिश्रम घेत कित्येक हजार भाविकांना सुखरूप बचावलंय. आर्मी एव्हिएशनच्या चिता हेलिकॉप्टरच्या स्क्वाडचा आढावा घेतलाय जिमडियाचे प्रतिनिधी अनुराग त्रिपाठी यांनी. उत्तराखंड में आई मुसीबत में कई हीरो उभर के आए हैं. कोई सिविलियंस थे और आईटीबीपी के लोग थे, दूसरी और सेनाओं के लोग थे. इस समय आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इंडियन आर्मी चीता चॉपर्स हैं, उनकी टीम है. और ये वो टीम है जिसने टायरलेसली जब से ये आपदा आई है काम किया है, लोगों को रेस्क्यू किया है. आज सुबह से इनकी टीम रेडी है. आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो वेदर है वो अभी इस लायक नहीं है कि ये फ्लाई कर सकें, लेकिन जब से आए हैं यहाँ पे ये रेडी मोड में हैं. इस टीम ने पिक्चरों पे आपने हीरोज को देखा होगा, लेकिन अगर रियल टाइम बात करी जाए वास्तविकता के हीरोज की, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इन लोगों ने जो काम किया है वाकई एक हीरोइक डीड है और कमेंडेबल एफर्ट है. और पूरे देश की निगाहें इन टीम पे लगी हुई हैं जिस तरह से काम कर रहे हैं. हर तरफ से इनके लिए भी दुआएं आ रही हैं. हमारे साथ में हैं कर्नल प्रवीण शर्मा एंड पंकज जी. पहले तो बहुत बहुत बधाई पूरे देश की तरफ से. जो आप लोगों ने काम किया है बहुत कमेंडेबल है. आपकी टीम ने बहुत जो काम किया है वो बधाई लायक है. सर, इस तरह का मिशन जो आपने किया है, इसको आप अकम्प्लिश करने में किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो ये ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसके कि आप पीस टाइम में कभी तैयारी नहीं कर सकते. फिर भी हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल और हमारी ट्रेनिंग की कार्रवाई इस तरह से हमने बनाई है कि हमारा हर पायलट, हमारा हर टेक्नीशियन इसके लिए हमेशा तैयार है कि जब भी इस किस्म का कोई चैलेंज आएगा हम उसको अच्छे से अच्छे ढंग से कर पाएंगे. कल का मिशन, परसों का मिशन, हमने बहुत डिफिकल्ट मिशंस किए हैं जहां पर कि 8-9 हज़ार फुट पर जहाज को स्टडी कर खड़ा कर हमने उसमें से पैराट्रूपर्स को नीचे ड्रॉप किया है, या फिर लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए बहुत डिफिकल्ट लैंडिंग साइट्स जहां पर कि जगह भी कम थी वहां से भी लोगों को किया है. और ये सिर्फ हमारी अच्छी ट्रेनिंग और हमारे प्रोफेशनलिज्म और हमारी आर्म के अच्छे रिकॉर्ड की वजह से हम कर पाए. 24 तास एक पाउल पुढ़े.